श्री राम कथा कहीं भी की जाए उसका फल अवश्य मिलता है। तीर्थ में किए जाने पर उसका फल बहुत बढ़ जाता है और फिर चित्रकूट तो तीर्थों का राजा है। यहाँ पर श्री राम कथा का अमोघ फल प्राप्त होता है। यह वाक्य साध्वी कात्यायनी ने श्री कामदगिरि परिक्रमा मार्ग स्थित ब्रह्म कुंड के शनि मंदिर प्रांगण पर मानस मंथन अनुष्ठान के पहले दिन कही। साध्वी कात्यायनी गिरी दीदी जी से जानते हैं इस मानस मंथन अनुष्ठान के बारे में। जी दीदी बताइए इस मानस मंथन अनुष्ठान के बारे में। ये वास्तव में राम कथा 9 दिवसीय हो रही है यहाँ पर ब्रह्मकुंड में श्री राम कथा हो रही है और अनुष्ठान शब्द इसमें जो जुड़ गया है ये भाव से इन्होंने जोड़ दिया है। वास्तव में क्या है ये संकल्प के सहित हम लोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो पयस्विनी नदी थी जो विश्व की पहली नदी हमारे शास्त्रों में बताई जाती है वो यहाँ से निकली थी वही थी जो दूध की धारा थी तो इसीलिए उनका नाम पयस्विनी था। परंतु वे आप देख सकते हैं वहाँ पे आप अगर जा कर के कैमरा घुमाएंगे तो वो पूरी तरह से सूख चुकी है। अब सूख चुकी है तो उस कारण से यहाँ पर ये स्थान भी विलुप्त हो गए। अब ये स्थान की भी महिमा है ही क्योंकि ये तो सिद्ध स्थान है और पयस्विनी माता की भी महिमा है लेकिन विलुप्त होने के कारण ये स्थान भी विलुप्त हो गया और नदी सूख गई। तो हम ये चाहते हैं कि पुनः हम सब मिलकर के पयस्विनी माता का दर्शन करें क्योंकि जल भीतर है ही, नदी अपने आप को ढक ले रही है, नदी सूखती नहीं है तो जल तो भीतर है। परंतु हम सबकी प्रार्थना हम सबका भाग्य ऐसा होगा तो वे अवश्य दर्शन देंगे इसी हेतु ये अनुष्ठान। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।